गुलबर्गा शहर में अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 29 अगस्त को उमरा रवाना होने वाले हजरात के लिए शादा फंक्शन हॉल में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें तमाम उमरा जाने वाले खवातीन और मर्द हजरात मौजूद थे। इस तरबियती कैंप के जरिए अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर जनाब मोहम्मद नज़ीर अहमद मदनी ने तवाफ कर तमाम उमरा के अरकान बताए हैं। अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 8 साल से हज उमरा सर्विसेज देते आ रहा है और लॉकडाउन के बाद यह पहला उमरा ग्रुप है जिसमें कुल 80 लोग मौजूद हैं। अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए इससे पहले जो हज उमरा की सर्विसेज से इस्तेफादा हासिल किए हैं वो लोग भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे और इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के सर्विसेज की तारीफ कर शहर के अवाम से अल रहमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए कम खर्च में हज उमरा की खिदमात हासिल करने की गुजारिश की है। दुआ होने के बाद ये हजरे अस्वद है और इसके बिल्कुल अपोजिट एक हरी ट्यूबलाइट रहती, जैसा बताया ना, वो हरी ट्यूबलाइट के सीध में यहाँ जो है, हाँ यहाँ जो है उसका एक मॉडल बनाया से है, ये 7 चक्कर कैसे करना और वो जाली है, जाली के पास का भी मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। तो ये हजरे अस्वद के पास आने के बाद ये कोने को दावा शोल्डर हम कर लें, ये मुकाम इब्राहिम इधर है और यहाँ के हिस्से में है जमजम का कुआँ, अंदर से जो है पाइपलाइन है ये, तो ये इसके अपोजिट जो हरी ट्यूबलाइट है, हरी ट्यूबलाइट को देख लेंगे तो हम हजरे अस्वद के सीध में आएंगे। ये कोने का हजरे अस्वद, अगर हजरे अस्वद इस पर नहीं होता तो इसका नाम होता था रुकने हिंदी, क्योंकि हमारा जो सजदा होता है ये कोने को होता, हिंदुस्तान के जितने लोग का सजदा होता है वो रुकने हजरे अस्वद को होता है, इसलिए इसका नाम हजरे अस्वद रहने से, वरना अगर इसका नाम होता रुकने हिंदी तो हमारे जितने भी लोग इंडिया से नमाज पढ़ते हैं हम हजरे अस्वद की तरफ रुक करके पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा जरा पैरों का ऐसा फैला लेंगे और ये सीधा हाथ इधर आ जाएंगे, दावा हाथ इधर आ जाएंगे, क्या करें अब, बन गई लूंगी, ये चेहरा हुआ, ये ऊपर का क्या हुआ आपका, बन गया एहराम। अब यहां से हमारे को चलना है, मर्द हजरात को जरा अकड़ के और दौड़ के, ऐसा ऐसा अकड़ के दौड़ के चलना है, तो वहां रश रहता, इसलिए क्या करते हैं हम जर्रा इधर हटते, इधर इधर हटते, यहां तक पब्लिक रहती, हम इधर आ जाते, यहां तक आ जाते, तो हम जरा बाहर बाहर से चलेंगे, अंदर घुस कर नहीं, तो यहां से जब शुरू करे जगह रही तो ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा अकड़ के चलेंगे। उसकी एक बहुत बड़ी हिकमत अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे, क्योंकि ये मक्का मुकर्रमा से जब हिजरत करके अल्लाह के पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए तो यहां अफवाहें चला दिए, खाने को खाना नहीं, लागर हो गए, गरीब हो गए, कमजोर हो गए, तो जब पहले उमरे को आए तो अल्लाह के रसूल, हालांकि अकड़ तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, किसी जगह भी अकड़ पसंद नहीं है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया अकड़ कर चलो, इन लोगों को बता दो कि हम अभी लागर कमजोर नहीं, तो एक सुन्नत है अकड़ को चलने की, तो ऐसा ऐसा करके जो है इसको जो है इस्तेवा, इसको रमल बोलते हैं, अगर जगह गुंजाइश रही तो हम वो भी करेंगे, नहीं रही तो साथ में करेंगे। कुछ नहीं महसूस होता है, लेकिन उसके बाद जब हवा में जाता है तो कानों में किसी आवाज आती है, बहुत बुरी तरह से आवाज आती है, बस गर्दन में दर्द होता है, उसका तरीका ये, टिपिक तरीका ये है कि जब भी जहाज टेक ऑफ लेता था अपने कानों में उंगलियां रखती है, घट से रख दी दबा के, और जब भी जब किसी की आवाज आती थी तो जो अंदर की हड्डियां में जो क्या है हवा है निकल जाती है, तो उस वजह से बनाने दो, किसी को एक दिन दो दिन तक भी दर्द रखता है और कई बनते रहते हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, कोई खे की दवा एमसेट 4 mg जहाज में बैठ के ले लीजिए, सभी सभी के लिए एहतियात ले लीजिए, कुछ भी नहीं, एमसेट EMCET एमसेट, मतलब पेशेंट एमसेट एग्जाम समझ लीजिए, एमसेट 4 mg की दवा है वो ले लीजिए और थोड़ा सा भूनो की भी देती है और ये चक्कर से महफूज रखती है, उसका खास ख्याल लीजिए, खासकर 60 की अबो जो औरतें हैं उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, और मतलब कान में दर्द होता है ये मत समझिए तो चीखते बस कोई जरूरत नहीं, कान में दबा के रख लीजिए, या हेडफोन भी रहता है, हेडफोन के उसमें मतलब वो अक्सर लोग मालूम रहता है, बस अपना आसान तरीका दोनों उंगलियाँ रखिए और जोर से हवा फूकी तो कम हो जाता है ये खास। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ताला ने इस अजीम सफ़र के लिए हमको कबूल फरमाया है और आदमी का पैसा भी मुख्तलिफ़ जगह लगता है, लेकिन इस मुक़द्दस सफ़र के लिए निकलना और अल्लाह को राज़ी करने के लिए जाना, इसमें अपना आदमी पैसा लगाकर वक्त लगाकर निकलता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो यकीन मानिए कि बड़ी बशारतें और खुशखबरियां दी गई हैं
दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो तमाम बशारतें और खुशखबरियाँ जो अल्लाह ताला के घर हाज़िरी पर मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत पर वादे किए गए हैं, अल्लाह ताला वो तमाम हम सब को अता फरमाए कि मैं इनके खिदमत से बहुत बेहतरीन और अच्छी तरीके से अमली तौर पे वाकिफ़ हूँ। हम भी इनके साथ सफ़र कर चुके हैं, जैसा कि अभी मैंने सुना कि जानी साहब ने बताया कि वो अपनी खिदमत के वो बहुत ज़्यादा, और यकीनन ये हकीकत है कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती गलत बयान इससे काम नहीं लिया उन्होंने, और मैं इसकी तस्दीक भी करते हैं कि भाई इनकी खिदमत वाकई काबिल सराहने के काबिल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इनके नेक नियति को अल्लाह इस बरकरार रखे और हाजियों को इससे जो है ना इस्तेफादा हासिल हो। आज अर्रहमान टूर्स की जानिब से तरबियती प्रोग्राम रखा गया था, माशाल्लाह निज़ाम को देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे नज़ीर साहब मदनी और मोहम्मद जानी साहब की निगरानी सरपरस्ती में ये टूर चल रहा है काफ़ी ज़माने से। माशाल्लाह इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, 40 से ज़ायद जो है उम्रा करने वाले मर्द अहबाब का ये काफ़िला 29 तारीख को जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान फरमाए। माशाल्लाह मुझे भी इस टूर से जाने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी अच्छी सहूलतें हैं और बहुत अच्छी रहबरी है। मैं अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि इस टूर से इस्तेफादा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला सब के सफ़र को कबूल फरमाए। सलाम अलैकुम। जो भी लोग उमरा को जाने वाले हैं, जो उनका ये इसी महीने की 29 को यहाँ से वो रवाना होंगे, उन सभी को सही उमरा करने का तरीक़ा, और जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट में प्लेनों में लॉजों में जिस तरीके की तकलीफ़ होती है, उन सभी को बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, सबको समझाया गया। जितने भी लोग इस 29 को उमरे को जा रहे हैं, मैं सभी मेरे भाइयों को बहनों को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हूं कि अल्लाह इन तमाम को जाने को कबूल करे। और इस नाचिस को भी इस बार बुलावा आया है, इंशाल्लाह इस बार इस ग्रुप में मैं भी जा रहा हूं मेरे वालदा के साथ में। तो आप सभी लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप भी मेरे हक़ में दुआ करें, अल्लाह हमारे इस जाने को कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ख़तीब मदनी अर्रहमान टूर का एक खादिम हूँ। अल्लाह का फजल व करम है कि तकरीबन हमारा टूर 15 साल से चलता आ रहा है। इससे पहले भी मैं दूसरे टूर में खादिम था, और मैं और मोहम्मद जानी हुसैन ये टूर को चलाते हैं। ये कोविड की वजह से 2 साल से हमारा ग्रुप नहीं गया था, कोविड के बाद ये पहला ग्रुप है। इंशाल्लाह 29 अगस्त को सऊदी एयरलाइंस के ज़रिए डायरेक्ट जिद्दा हम पहुँचेंगे, इसमें 40 हाजी हैं, और फिर इसी ग्रुप के तहत यही डेट को 29 तारीख को बम्बई से 15 हाजी हैं, और फिर इसी ग्रुप से मोहम्मद जानी हुसैन जो 7 तारीख को सीधे मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे, उसमें 20 हाजी हैं। अल्लाह का एहसान है, ये बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही, और इसके बाद का जो ग्रुप होगा इंशाल्लाह अक्टूबर की आखिरी तारीखों की हमें इत्तला है, और फिर इसके बाद मैं इंशाल्लाह जाने से पहले भी उसका जिक्र करूँगा, और फिर अगले बार हम हज के लिए भी पूरे इंतज़ाम की तैयारी में हैं। अल्लाह ताला हमारे लाइसेंस के लिए, हमारे कोटे के लिए, हमारे हाजियों के सिलसिले के लिए हमें अल्लाह कबूल करे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि हमारे टूर को चूज़ करें। हमारी खिदमत इंशाल्लाह अल्लाह का फजल है, हम अच्छे से अच्छे खिदमत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अर्रहमान टूर एंड ट्रैवल्स हज उमरा मस्जिद आयशा टीपू सुल्तान चौक रिंग रोड गुलबर्गा से खिताब कर रहा हूँ कि हम लोग, मैं मोहम्मद जानी हुसैन और मेरे पार्टनर मोहम्मद नज़ीरुद्दीन मदनी और मेरे और एक पार्टनर डॉक्टर असलम सईद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 2010 में रजिस्ट्रेशन हुए और 2011-12 से हम लोग टूर शुरू करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर्विस डायरेक्ट फ्लाइट रहती है, हैदराबाद जिद्दा, जिद्दा हैदराबाद, सऊदी एयरलाइंस लेते हैं, और हमारे जो होटल्स हैं मक्के और मदीने में 3-स्टार होटल रहते हैं, और हम एजेंट नहीं हैं, हमारा खुद का ये टूर है, और हम ऑल इंडिया हज उमरा टूर ऑर्गेनाइजेशन से मेंबरशिप है मुंबई से, और हमारा आईटा लाइसेंस भी है, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो और आगे हमारा हज का लाइसेंस भी आएंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। और हम लोग जो ग्रुप हम किसी को देते नहीं हैं लेके एजेंट के, जैसा कि जो एजेंट देते हैं लेके 2000-3000-5000, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग खुद जाते हैं, मैं जाता हूँ, मेरे पार्टनर नज़ीर मदनी जाते हैं, कभी दोनों जाते हैं, कभी हम एक जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलोकरम से 2.5 साल के बाद
हम लोग हज का उम्रे का काम शुरू करें अल्लाह की तौफीक से, हम सोच भी नहीं सके थे। अल्लाह ने हमको 80 हाजी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा पहला ग्रुप जो जा रहा है 29 अगस्त सुबह में सऊदी एयरलाइंस SV 755 हैदराबाद जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट है, 11:05 को डिपार्चर है। उसमें 40 हाजी हैदराबाद से हैं और मुंबई से 20 हाजी हैं। मुंबई से भी SV 771 बॉम्बे जिद्दा डायरेक्ट फ्लाइट है, वहाँ से 20 हाजी हैं। ये जो पहला ग्रुप जा रहा है हमारा बॉम्बे है और हैदराबाद से मिला के 60 हाजी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मेरे पार्टनर नज़ीर मदनी साहब जा रहे हैं हैदराबाद से। और इंशाल्लाह उसके बाद दूसरा ग्रुप जो मेरा जा रहा है 7 सितंबर को सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो SV 755 हैदराबाद जिद्दा सुबह 11:05 की फ़्लाइट है। उसमें मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, 20 हाजी को लेकर जा रहा हूँ। और हमारे जो होटल्स हैं मक्के में 2 से 3 मिनट पे हैं, अज्जाद रोड पे है, दल्ला अज्जाद होटल है 3 स्टार। और मदीने में जो होटल है हमारे और गुलनार तैबा है जो जन्नतुल बकी के सामने है, खाली एक 20 फीट की रोड के रास्ते ना जीरो डिस्टेंस बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैदराबाद से गुलबर्गे से लेके हैदराबाद और हैदराबाद से लेके जिद्दा, जिद्दा से लेके मदीना और मदीना से लेके वापस से जिद्दा, फिर जिद्दा से हैदराबाद तक पूरी हाजा के हम रहबरी में रहते हैं। जो भी हाजी को ज़रूरत पड़े 24 आवर्स हम सर्विस देते हैं।